एक बार फिर से आपका स्वागत है, मैं हूं अपर्णा मौजम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बड़ी खबर आ रही है जगदलपुर से। सरकार से सशर्त बातचीत के लिए नक्सली तैयार हैं और डिप्टी सीएम विजय शर्मा की पहल पर नक्सलियों का जवाब वार्ता के लिए आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शर्तों के साथ बातचीत करने को तैयार हो गए हैं नक्सली। अनुकूल वातावरण तैयार करने की मांग, पत्र जारी कर नक्सलियों ने अपनी मांगे रखी हैं कि अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए बातचीत के लिए, उसके बाद वो सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की पहल पर नक्सलियों का ये जवाब आया है, बातचीत के लिए सरकार अनुकूल वातावरण तैयार करे, उसके बाद वो बात करेंगे। और अपनी इस मांग को पत्र जारी कर स्पष्ट कर दिया है नक्सलियों ने। अभिषेक शुक्ल न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, लगातार ये प्रयास था कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाना है और इस प्रयास को आगे बढ़ाया इस सरकार ने और इसको भी मंजूर कर लिया है नक्सलियों ने, क्या मायने निकाले जाए, कोशिश आखिरकार कामयाब हुई? देखिए, ये एक्चुअली जो जब उन्होंने बात करने की बात कही है, उसमें सबसे बड़ी बात है सशर्त उन्होंने बात करने की बात कही है। नक्सलियों ने जो पत्र जारी किया है उसमें कुछ शर्तें रखी हैं और कहा कि पहले अनुकूल माहौल बनाया जाए, और उसमें उन्होंने जो शर्तें रखी हैं कि जो जवान हैं वो कैंप में रहें और कैंप से बाहर अभी जो सर्चिंग में जवान निकला करते हैं वो ना करें, मुठभेड़ को लेकर क्रॉस फायरिंग को लेकर उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं और राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। उसके बाद उनका कहना है कि वो सीधी बातचीत या मोबाइल के जरिए बातचीत के लिए सब आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सशर्त बातचीत की बात कही उन्होंने, देखना है इस पे सरकार क्या रिएक्ट करती है, क्योंकि जवान कैंप जो सर्चिंग पे ना जाए ये जो ऐसी बात है जिस पर बड़ा पेच फंस सकता है। और सरकार हालांकि तय करेगी कल साथ बात करके, और देखना है क्या इस पे रिएक्शन आता है, क्योंकि इससे पहले जब भी बात कही गई है सरकार की तरफ से तो निःशर्त बातचीत की बात सामने आती है, कोई शर्त इसमें नहीं होती है। अब देखते हैं उन्होंने जो सशर्त पहले अनुकूल माहौल बनाना और उसके बाद बातचीत के लिए आगे आएंगे जैसे बात कही है, तो उस पर सरकार का क्या रिएक्शन ये देखना होगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर पेच फंस सकता है, बातचीत पे अड़ंगा आ सकता है, क्योंकि इस टाइप की बातें पहले भी हो चुकी हैं। बिल्कुल, इससे पहले बिना शर्त के बातचीत हुई है, जाहिर तौर पर बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलता है, लेकिन इस तरह अगर नक्सली अपनी मांगे मनवाने में कामयाब रहेंगे, जो सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी, अभिषेक जी कहीं ना कहीं अब सरकार के पाले में गेंद फेंक दी नक्सलियों ने। जी देखिए, कम से कम ये बात जरूर है कि इधर से बातचीत की बात रही हुई तो उधर से नक्सलियों ने भी बातचीत का एक तरीके से पहल किया है, हालांकि शर्तें उसमें रखी हैं, इतनी शर्तें मानी जाए, कम से कम एक बातचीत की शुरुआत तो कह ही सकते हैं कि सरकार ने ऑफर दिया, फिर नक्सली की तरफ से ऑफर आया, भले ही शर्तों के साथ आया हो, तो हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकल जाए नक्सली और सरकार के बीच में बातचीत के लिए, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स के तौर पर इसे देखा जा सकता है कि सभी तरीके से सरकार, कल जैसे मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जहां कैंप है आसपास के गांव का विकास होगा, डिप्टी सीएम ने कहा है लगातार कि बातचीत करना चाहते हैं, तो अब शुरुआत हुई है, देखना ये बातचीत कहां तक पहुंचती है, कौन सी मध्यस्थता होती है और किस लेवल तक होती है, कितनी शर्तें सरकार मानने की स्थिति में है। तो ऐसे में अब उम्मीद की जा सकती है कि जो नक्सलवाद है वो अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन जो ये शर्त रखी गई है नक्सलियों की तरफ से, क्या लगता है अब तक जब भी इस तरह का ऑफर नक्सलियों को दिया गया है तो उनकी शर्तें क्या रही हैं? देखिए, ये नक्सली जब भी बातचीत के लिए आते हैं स्वाभाविक सी बात है वो कुछ शर्तें रखते हैं, और क्योंकि नक्सलियों के टॉप लीडर्स होते हैं वो इन बातों को डिसाइड करते हैं, और इधर से सरकार के बड़े अधिकारी हैं वो आपस में बैठकर तमाम फीडबैक के आधार पर ये बातचीत कैसे की जाए, क्यों की जाए, कब की जाए, क्या शर्तें मानी जा सकती हैं, जैसी चीजों पर विचार रखते हैं। लेकिन क्योंकि बातचीत का ऑफर दोनों तरफ से अब आया है, भले ही शर्तों के साथ आया है, तो अच्छी पहल मान सकते हैं, लेकिन ये पहल कितनी आगे बढ़ती है इस पर नजर सभी की है। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, मायने भी बताने के लिए कि फिलहाल जो ये नक्सलियों की तरफ से बड़ी बात आई है सामने कि वो तैयार हो चुके हैं बातचीत के लिए, बट सशर्त बातचीत के लिए वो तैयार हुए हैं फिलहाल।
तो अच्छी बात यह है कि सरकार ने जब बातचीत करने की बात कही तो नक्सली भी बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। कंडीशन अप्लाइड जरूर लेटर भेजा गया है नक्सलियों की ओर से, लेकिन अब सरकार को यह देखना होगा कि किस तरीके से नक्सलियों के इस जवाब को लेकर वो आगे चलते हैं, कितनी शर्तें मानी जाएं, कितनी शर्तें नहीं मानी जाए, या बिना किसी शर्त के ही बातचीत करने की जो बात है वो सरकार की ओर से कही जाए। हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल इस बात का जिक्र भी करते हैं कि इससे पहले जितनी बार भी बातचीत हुई है सरकार और नक्सलियों के बीच वो बिना किसी शर्त के हुई है, और काफी मुश्किल शर्तें इस पत्र में नक्सलियों की ओर से उनका जिक्र किया गया है। खास तौर पर जवान सर्चिंग के लिए ना निकले, ये एक महत्वपूर्ण बात है, ऐसी महत्वपूर्ण बात है जिस पर सरकार राजी नहीं हो सकती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब सरकार ये चाह रही है कि नक्सलवाद का समाधान निकले तो ऐसे में किस तरह से बातचीत की इस पहल को आगे बढ़ाया जाता है। बिल्कुल, और लगातार लंबे समय से कहा जा रहा था सरकार की तरफ से कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पहले नक्सलियों से बात करना होगा और इसी चीज की पेशकश उन्हें देनी होगी कि बातचीत कर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए, लेकिन तैयार नक्सली नहीं हो रहे थे। और बीते कुछ दिनों में सुकमा में जिस तरीके से जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई, उसमें 3 जवान शहीद हो गए तो 7 नक्सली ढेर हुए, उसके बाद एक बार फिर से ये ऑफर सरकार की तरफ से रखा गया, बावजूद इसके नक्सली नहीं माने, लेकिन अब मान गए हैं नक्सली, लेकिन सशर्त उन्होंने कहा है कि हम बातचीत के लिए आगे आएंगे। विजय शर्मा जो कि डिप्टी सीएम है, जो कि गृह मंत्री भी हैं, उनके कंधों पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और उनकी ही पहल के बाद, विजय शर्मा की पहल के बाद नक्सलियों की तरफ से ये बड़ी बात सामने आई कि वो बातचीत के लिए सशर्त तैयार हैं। तो जवान कैंप लगा रहे हैं और सरकार की ओर से ये बात भी साफ कर दी गई है कि जहां जहां नक्सल ग्रस्त जो एरिया है वहां पर जो तमाम गांव हैं वहां तक सरकार की पूरी प्लानिंग है कि वहां रहने वाले हर एक शख्स तक विकास की योजनाएं पहुंचे, योजनाओं का फायदा उन लोगों को भी हो, और इसीलिए ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि नक्सलियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए बातचीत को लेकर अपनी तत्परता भी दिखाई है, लेकिन सशर्त बातचीत की मांग यहां नक्सलियों की ओर से की गई है। पत्र जारी किया गया इसके लिए बकायदा, और अब देखना यह होगा कि सरकार का इस पर रिस्पॉन्स क्या रहता है। क्या सरकार शर्त के साथ बातचीत के तैयार हो जाती है, या सरकार नक्सलियों को कन्विंस करने में कामयाब रहती है कि बिना किसी शर्त के ही बातचीत को बढ़ाया जाए।